कहते हैं मीठे बच्चे, मैं संगम युग पर आकर तुम बच्चों को समझ देता हूँ, जिस समझ से तुम्हारा मन सुंदर बनता है। जब मन सुंदर बनता है तो मन, बुद्धि और संस्कार तीनों परिवर्तन होते हैं। तो मन को सुंदर बनाने के लिए मन के साथ में जोर जबरदस्ती करके, मन को तकलीफ दे करके मन को परिवर्तन नहीं करना है, बल्कि मन को समझाना है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसे समझ देनी है। समझ से वो समझेगा तब फिर वो बदली होगा, प्यार से समझाना है। बाबा कहते हैं ठीक वैसे ही जैसे कि एक छोटे बच्चे को कांच के बर्तन से खेलते देख एक माँ उस बच्चे के हाथ से वो कांच का बर्तन छीनने की बजाय उसके बगल में बहुत सुंदर खिलौना रख देती है, और जब वो बच्चा उस सुंदर खिलौने को देखता है तो उसका मन उस सुंदर खिलौने में लग जाता है और कांच का बर्तन वो छोड़ देता है, और उस बर्तन को माँ धीरे से उठा करके ले आती है और बच्चे का मन उस खिलौने में लग जाता है, वो बच्चा खेलने लग जाता है। तो माँ उस बच्चे के मन को तकलीफ नहीं देती है, उसे मारती नहीं है, बल्कि उसके मन को प्यार से परिवर्तन कर देती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि मैं जो तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ, उस ज्ञान को तुम अपने मन को बताओ कि इस ज्ञान से तुम क्या से क्या बन जाते हो, तुम उसे प्यार से समझाओ। इस समझ के द्वारा जब परिवर्तन होगा तो मन जरूर बदलेगा, लेकिन उसे प्यार से समझाना है।